ये देखो दोस्तों कितना अच्छा स्प्रे कर रहा है, इससे आप सब्जियों पे आसानी से स्प्रे कर सकते हो। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागतम है। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं बैटरी स्प्रेयर पंप, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। बेसिक जानकारी के बारे में बात करूँ तो ये सब्जियों, फलों, फसलों, बाग बगीचे आदि में दवा स्प्रेयर करने के काम आता है। हाँ, और इसके टैंक क्षमता की बात करूँ तो इसकी टैंक क्षमता है 18 लीटर और इसे 4 से 5 घंटे अगर आप चार्ज करते हैं तो 12 से 15 बार आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, जिस किसी किसान भाई ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो जो भी आए वो आपको मिलते रहें। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामग्री आती है। हमने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया है और इसमें देखो ये पाइप है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पाइप है अन्य की तुलना में। देखो ये सर्दियों में भी ख़राब नहीं होगी और इसमें जो प्लास्टिक यूज हुआ है टैंक के लिए ये और भी अच्छा क्वालिटी का यूज हुआ है अन्य मशीनों की तुलना में। और इसमें हम देखते हैं, देखो ये क्लच, ये फुहारा और ये नोजल किट। ये जो चार्जर देख रहे हो एक फास्ट चार्जर है जो 1.3 एम्पियर का है और इसमें बैटरी की बात करूँ 12 वोल्टेज 8 एम्पियर की बैटरी है इसमें, जो इसे चार्ज करने की ये काम आता है। इसकी एक और अच्छी मुझे बात लगी, इसमें दिया गया बैक रेस्ट जो हमें पीठ पे लगा सकते हैं, इससे क्या है कि थोड़ा वजन कम पड़ता है हमारी पीठ के ऊपर। अब किसान भाइयों हम इसे सेट करके देखते हैं भाई ये सेट कैसे होता है। सब्जियों के काम आता है और अन्य नोजल किट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। हम इससे आसानी से ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। ये जो देख रहे हो ये मुख्यतः सब्जियों में स्प्रे करने के काम आता है। ये होता है, ये देखो दोस्तों कितना अच्छा स्प्रे कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्प्रे करता है और ये सब्जियों में ना बहुत आसानी से दवा छिड़क सकता है। अब देखो हम नोजल चेंज करते हैं, इसका दूसरा नोजल लगा के देखते हैं भाई वो कैसे काम आते हैं। ये देखो